दिल्ली में अतिक्रम, अवैध कब्जे और झुग्गियों पर प्रशासन के बुलडोजर का कहर मुखर्जी नगर इलाके की ऑटम लाइन झुग्गी बस्ती पर टूटा। सुबह से पुलिस और संबंधित विभाग के कर्मचारियों की फौज भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच स्लम बस्ती में रहने वाले गरीबों के आशियानों पर हथौड़े बरसा रही थी, तो कहीं बुलडोजर इन 25 साल पुराने आशियानों को मलबे में तब्दील कर रहा था। इन लोगों का आरोप है कि इन्हें नोटिस तक नहीं दिया गया और अचानक उन्हें बेघर कर दिया गया। दिन भर चली इस कार्रवाई में अतिक्रम हटाओ दस्ते ने करीब 250 झुग्गियों को तोड़ा। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात थे, लिहाजा ये लोग केवल अपने आशियानों को उजड़ता हुआ देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब ये लोग दिल्ली सरकार के उस दावे और भरोसे पर सवाल उठा रहे हैं जिसमें कहा गया था कि बिना घर दिए किसी भी झुग्गी वाले को नहीं उजाड़ा जाएगा। लोगों की है अभी क्या हालात है यहाँ पर? हालात तो सर इतने बुरे हैं कि अभी एक घबराहट में एक बंदा ऊपर से नीचे गिरा है, क्योंकि हम लोगों को किसी को ये नहीं बोला गया था, ये बोला था कि नाले नाले की टूटेंगे। जब कल SHO साहब आए तो उनसे हमने बोला कि सर अगर हमारी अंदर की कहीं की भी टूटनी हो तो हमको बता देना 2 घंटे के पहले, ताकि अपना सामान निकाल लें। SHO साहब बोले कि अगर आएंगे और टूटेंगी तो हम निशान लगा देंगे। तो हमारे दिमाग में यही बात बैठी थी कि जब वो निशान लगाएंगे उससे 2 घंटे बाद हम अपना सामान खाली कर लेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं। आए यहाँ के नहीं तोड़े, जो नाले की बात हुई सीधे वो हथौड़े वाले आदमी आए, अंदर ही घुसते गए और तोड़ते गए। अब आप लोगों का सामान वगैरह सब कहाँ है? टूट गया सर, सब उसके अंदर ही दब गया। अभी भी आप देखना चाहो तो मैं कई घर दिखा सकती हूँ आपके, जो सामान मलबे के अंदर दबे हुए हैं। एक बंदा। अब आप लोग क्या करेंगे? सड़क पर हैं? और क्या सड़क पे ही हैं। कितने लोग हैं यहाँ जो रहते होंगे? बहुत सारे लोग हैं सर, गिनती भी नहीं है जितने लोग हैं। सब सड़कों पर हमने बच्चों को पार्क में बिठा रखा है, पीने को पानी नहीं है, कोठियों से मांग मांग के हम पानी दे रहे हैं, बच्चों को रोटियां भी कोठियों से मांग मांग के खिला रहे हैं। मुख्यमंत्री को याद दिला रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि यहाँ झुग्गी वही मकान, और आज जब सैकड़ों लोग सड़क पर हैं तो कोई देखने तक नहीं आया। इस प्रचंड गर्मी में इन गरीब परिवारों को अचानक सड़क पर ला दिया। इनका दर्द है कि इनकी गुहार कोई सुनने वाला नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में अब ऐसी स्लम कॉलोनियां भी निशाने पर हैं, लिहाजा दिल्ली में बसी ऐसी स्लम कॉलोनियों को सावधान हो जाना चाहिए, कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो कि उनके घर के साथ साथ घर का सम्मान भी चला जाए। किसी का कुछ गलत हो रहा है तो बताओ,